बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर ने कैमूर को अपने शिकार बना लिया है। जिले में 8 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसको देखते हुए चैनपुर पहुंचे डीएम एसपी ने सील कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों को भभुआ के भूपेश गुप्त कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहाँ से उन्हें आज शुक्रवार की दोपहर गया के अनुग्रह नारायण मगध मेमोरियल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में 221 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है, 8 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसके अतिरिक्त 6 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। डीएम ने सख्त आदेश जारी करते हुए लोगों से कहा कि जिस क्षेत्र में सील किया गया है वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन को सूचना देना है, प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। लेकिन यदि कोई बिना सूचना या प्रशासन के आदेश के बिना बाहर निकलता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बिना कारणवश जिले के सभी प्रखंडों में घर से बाहर निकलने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। CNB न्यूज़ के लिए कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। फोन करेंगे हमें यदि विशेष जरूरत होगी तो हम उनको इवैक्यूएट करेंगे, इवैक्यूएट होता है मेडिकल इमरजेंसी है तो हम उनको एम्बुलेंस से लाएंगे। ऐसे होता है कि पैदल आए या चल दिए, ऐसी बारी कोई बात नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा इलाके में, जीरो मूवमेंट रहेगा। जो खासकर पूरा इलाका हमारा जितना है जीरो मूवमेंट रहेगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो 7 लोग चैनपुर के पॉजिटिव आए हैं और 1 रोहतास के हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग भी रहे हैं वो लोग स्वयं सामने आए कि हम मेरा उनसे संपर्क रहा है, ताकि हम उनकी जांच विधिवत तरीके से करा सकें और उनकी हम सुरक्षा कर सकें। हवलदार हम 4-5 मिनट देते हैं लाइन में जो बैठा हुआ, ठीक है, हवलदार को प्रमोट करके।